तो हर बार की तरह हम घर से स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम आ चुके हैं बैंगलोर और इस व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमने अपना फर्स्ट टेडएक्स दिया, उसके बाद रिंकू से 7 से 8 साल बाद पहली बार कैसे मिला मैं रिंकू, मजा आ जाएगा ये व्लॉग को एंड तक देखना। अभी मैं बैंगलोर हूँ बट इसकी कहानी क्या है वो सबसे एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले आप जाओ और पूरे टेडएक्स वाली चीज देख के आओ कि कैसे हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ और हम भूखे कैसे मर गए। बाय बाय। तो अब जस्ट मैं नहाने जा रहा हूँ, जल्दी से नहाऊंगा और तैयार होके जाना है नीचे। और भाई इस बीच के नाम पे मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, जस्ट पता नहीं कैसे बोलने आ रहा हूँ। तो गाइज आर्यन जा चुका है नहाने इस जगह पे और फिर मैं नहाने जाऊंगा, फिर हम जाएंगे एक साथ, हमारे लिए कैब आ रही है। अच्छा, तो कैब में हम सीधा जाएंगे जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है सारा, वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ठीक है ब्लॉग को। भाई आज इवेंट है तो मेरे को हो गया पिंपल, एक और बार हुआ था जब मेरे को एक चीफ गेस्ट में बुलाया था तो मेरे को नाक पे यहाँ पे पिंपल हो गया था, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है भाई। कभी भी आप फॉर्मल शूज पहनते हो तो ऐसे बैंडेज जरूर लगा लेना, उसके बाद टैग अगर नहीं लगाते हो डाल सकते हो अपने, तो ये देख लो ये बहुत कम है, ये 14 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, फिर तो ऐसा हो जाता है। तो जस्ट एक गाइड है कि बैंडेज अपने साथ जरूर रखो। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, कुछ OOTD ये है हमारा, कोट नहीं पहना, कुछ ज़्यादा हो जाता सूट वूट पहन लेते हैं, तो MLM ज्वाइन कर लेते हैं। ये रहा MLM का बंदा मेरे साथ घूम रहा है। और भाई मैंने 4 बैंडेज लगाई है भाई, पूरी 4 बैंडेज लगाई है, कुछ भी नहीं होना चाहिए और बैकअप में और जेब में रख लेता हूँ 2 बैंडेज। नीचे खड़ी है मेरी ऑडिट। अरे ले जाओ यार सब आपका ले जाओ बेटा, वो हिमांशी दीदी की है। दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं, हमारी कैब नहीं आ पा रही है, रिंकू जानवर इंसान है। आई एम द बेस्ट एनिमल एंड क्यूटेस्ट एनिमल ऑन द वर्ल्ड, सब लिखो क्यूट रिंकू। आर्यन फेमस हो चुका है यहाँ पे, आर्यन के साथ लोग फोटो खींच रहे हैं, हम देखो सब। हम आ चुके हैं वापस रूम में और मैंने कपड़े चेंज कर लिए और हमें जो ये मिला है इसको खोलने वाले हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज्यादा, क्या विचार है, ये बहुत ही गंदा आदमी है, ये पार्टी चेंज कर देता 2 मिनट। मिल रहे हैं एक पेन, ये मिला, ये रिंकू ने दिया था, इसको ऑटोग्राफ करके दूंगा इससे। ये डायरी मिली है बेटा, ये तो रसीद कट्टा है, इससे बिल फाड़ूंगा मैं। हाँ भाई 150-150 यहाँ पे हिसाब लिखूंगा कोई उधार करा के गया तो। ये चीज मिली है हमें LPU से और झुक हुआ है। So far, okay experience. So far, अब तो नींद आ रही है, बदबू मार रहा है इनसे। भाई नहा के जाओ, इतना जब तुम चलोगे क्या ही होगा तुम में से। तो गाइस ये थक चुका है और सो चुका है और हमें काम करना पड़ रहा है यहाँ बैठ के। फाइनली काम फिनिश हो चुका है, अभी 1 घंटे का नैप लूँगा, ये तो पूरा सो चुका है ये तो, और उसके बाद कुछ खाने चलेंगे इसको जगा के। पूछता है ये वाले जूते कितने के अच्छे लग रहे हैं, मैंने उससे बोला 11,000 के, तो ये बंदा जूता सुनने में कह रहा खुशबू मारते होंगे 11,000 के। रिंकू क्या शब्द है आपके, गो अहेड। अरे रिंकू किस बात पे आपने जूता सुना है वो? आई थॉट दैट इफ दे कॉस्ट 11,000 रुपीस, हां गिव मी 11,000 आई विल वॉश योर बूट एवरी डे। अभी इतने पूरी अनचन बात करिए भाई, जूता क्यों दूंगा भाई, इतने जूता क्यों दूंगा मुझे तो ये। और भाई यहाँ पे मेरे कुछ 1,00,000 रुपए रखे हुए हैं, सूंघोगे क्या अंश? रिंकू सूंघ लो तो भाई, इसको सूंघने से जुखाम ठीक हो जाता है। नई रेसिपी ये है बाबा का टोटका, 2 इलायची ले,
पानी में डूबे, उसके साथ महंगा नींबू ले, अगर नींबू ना मिले तो संतरे के दो संतरे का प्रयोग कर सकते हो। अरे इसको रहने दो, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी और तब हम पैकिंग कर रहे हैं अपनी सब सामान की, सब समेट रहे हैं कहीं कुछ भूल नहीं जाए। मैं इससे बोल रहा हूँ वीडियो शूट कर ले, तो कहता चलो कर लेंगे। अब ये भैया पहना क्या है दिख, ओ भैया पहना नहीं, हाँ ठीक है ये अनवन कपड़े पहना हुआ, मैंने कपड़े चेंज करवाओ उसमें प्रेस नहीं, तो मैंने बोला प्रेस कर ले, प्रेस नहीं करना भैया को, मैंने कहा चल ठीक है कर। अच्छा पहले सबसे पहली बात तो इससे मुंह धुलवाया मैंने, तो मुंह गीला करके आ गया, मैंने कहा साबुन से धो भाई, उसके बाद कपड़े नहीं पहन रहा, फिर कहता चलो शूट करते हैं, मैंने कहा स्क्रिप्ट बन गई, कह रहा है स्क्रिप्ट रेडी है दिमाग में और फोन में लिख रहा है, इतनी गंदी स्क्रिप्ट बनाई, अब उसको चेंजेस हो रहे हैं, अभी जाके एक स्क्रिप्ट भी नहीं हुई है। और फिर मैंने कहा, मैंने जस्ट मजाक में बोला मैं सो रहा हूँ गुड नाइट, कहता हाँ यार नींद आ रही कल करते हैं। तो ये होता है एमलेस पीपल, जिनको पैशन नहीं है काम का। यहाँ पे वो चल रहा था अभी रोमांस, हमारे साथ हैं यो अभिषेक भैया, और अभिषेक भैया ने कुछ टिप्स, अरे यार गलत टाइम पर फोन आ गया भाई, देखो टिप्स तो कुछ नहीं है, हम एयरपोर्ट का नज़ारा बता देते हैं, उधर रोमांस हो रहा था बहुत ही तगड़ा वाला, बाहर जादू चलता है इधर अमृतसर एयरपोर्ट, जादू और हमारे भोपाल, हम भोपाल इंदौर से हैं बिल्कुल, तो हमारे यहाँ चलती है DTDC, तो वैसी बस यहाँ पे चल, मैं जिस फ्लाइट में जा रहा हूँ विस्तारा में, वो DTDC आई है हमको लेने के लिए, पास है ना, पास है ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा, पास दिखाना है, सोच रहा हूँ पार्सल वार्सल भी करवा लूँ, सभी निकलने का है, वो भाभी जी और भैया जी खड़े हो गए अलग कनेक्टिंग फ्लाइट में, वो कब से खड़े हैं, वो कम से कम उनको 15-20 मिनट हो गए, वो पता नहीं किस 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 जल्दी में आ रहा, वो तो बड़ा टेंशन में बात बात कर रहे हैं, अरे आ रहा हूँ जान, थोड़ा वेट कर। वहाँ से एक दीदी जी इनको देख रही थी, मेरे को नहीं देख रही थी, इसको देख रही थी, मैं बच्चा रखा हूँ इनको देख रही थी, अरे कुछ नहीं, अरे वो दोनों को लगा रहा है, ये तो वो TEDx स्पीकर थे, ओ LPO वाले, सबके बैग आ गए, मेरा ही बैग नहीं आया है, कोई मेरा बैग ले तो नहीं गया है, बहुत टाइम हो गया, सब चले गए, कॉन्टेक्ट वाले कर एक बार, कॉन्टेक्ट वाला डाल, नहीं अभी लग नहीं यार, बैटरी खत्म हो जाएगी। वो बिजनेस आपको कब शुरू करना चाहिए और भी बहुत कुछ, ठीक है, साइन अप बटन पे क्लिक करके, नीचे साइन अप बटन पे क्लिक करके आप इसको नीचे नहीं, क्योंकि कभी कभार ऊपर आता है कभी नीचे आता है। और आज हम शूट करने वाले हैं चार कोर्स के एड्स, और चार कोर्स के चार चार एड्स, 16 एड्स। अभी कुछ 2-3 बज रहे होंगे, हम 5 लोग हैं, और यहाँ पे आप देखोगे थर्ड फ्लोर पे ये बार बार बंद हो रही है और बार बार चालू हो रही है, इसमें कोई भी नहीं कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा हो रही है, देखो कोई भी नहीं कर रहा है, और हम इसको ग्राउंड फ्लोर पे भेज चुके हैं, हमने खुद इस पे ग्राउंड पे क्लिक करा, करो ग्राउंड क्लिक करो पहले भी ग्राउंड फ्लोर क्लिक कर, और ये फिर ऑटोमेटिक ऊपर आ रही है, इस बार फिर भेज, अब भेज दो, आ जाओ आएगी, या देखो फर्स्ट अपने आप फर्स्ट, और हमारे यहाँ पे फोर्थ फ्लोर भी है बट ये थर्ड पे ही आ रही है, ये यहाँ पे खुलेगी, फोर्थ फ्लोर भी फोर्थ पे नहीं जा रही है, थर्ड पे ही आ रही है, तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और हम लोग आ चुके हैं हमारे बैंगलोर में जहाँ पे हम न्यू ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं, सो अभी ऐसे ही काम चल रहा है, ये रहे अंचोड़िया, ये रहे हमारे सौरभ भैया, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, और नेक्स्ट व्लॉग हम लेके आएंगे कि कैसे हमने अपना दूसरा ऑफिस खोला, जब तक